हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्रीमी और बहुत ही टेस्टी सी मैंगो आइसक्रीम, जो कि बनाई है मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से और कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करना है। ये मैंने आम ले लिए हैं, पके हुए आम, बिल्कुल मीठे आम हैं वो ले लिए हैं, और इसमें शुगर पाउडर मैंने डाल लिया, घर पर ही बनाया हुआ है, आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और 2 चम्मच मलाई मैंने डाल ली है और 1 कप दूध यूज़ कर लिया है। बस यही चीज़ें डालनी है इसमें, फ्रेश मलाई यूज़ करनी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, अब ड्राई फ्रूट मैंने पहले थोड़ा सा कूट लिए हैं, उसके बाद डाले हैं। आप एक चीज़ करें, मिक्सी में जब हम मिक्स करें उस टाइम ड्राई फ्रूट नहीं डालने हैं, ड्राई फ्रूट मिक्सी में मिक्स करने के बाद, उसके बाद ड्राई फ्रूट डालने हैं कट करके, क्योंकि मैंने मिक्स किए तो वो सारे मिक्स हो गए थे, तो पता नहीं चल रहा था कि ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। उसके बाद मिक्सी में अच्छे से मिक्स करना है, मिक्सी में इतना मिक्स करना है कि जो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं वो एकदम क्रीमी क्रीमी सी हो जाएंगी। ये देखिए डालने में भी लग रही है कि क्रीमी क्रीमी है, तो इस तरीके से करना है। बस आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। उसके बाद आपके पास आइसक्रीम कोन्स हैं या फिर यूज़ एंड थ्रो वाले जो कप्स होते हैं, कॉफ़ी कप, टी कप जो होते हैं, उसमें भी हम डाल के और आइसक्रीम जो स्टिक होती है वो लगा के उसमें भी रख सकते हैं, ऊपर से फॉइल पेपर लगा के, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आइसक्रीम कोन ही हमारे पास हो, वो डाल के भी हम रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए, आजकल मार्केट से हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की भी आइसक्रीम उन्हें पसंद है हम घर पर ही बना सकते हैं। तो ये मैंगो क्रीमी आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, कुछ भी अनहेल्दी इसमें नहीं है। एटलीस्ट इतना तो है कि हाँ, हम घर पर बना रहे हैं, कुछ इसमें अनहेल्दी हमने यूज़ नहीं किया है, तो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगी। आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे बनाने में, वो भी ज़्यादा बता रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और हम रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी इजी सी आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी देखिए मैं फ्रिज में रख दूँगी नाइट में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अच्छे से एकदम जम के रेडी हो जाएगी। मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी, बट हाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ता है। ये मेरे पास स्पून थी जो मार्केट से केक के साथ या किसी फूड के साथ जो स्पून्स आती हैं उनको मैंने नीचे वाली जो स्पून वाली जगह थी वो कट कर दिया और स्टिक उसकी रख लिया, और ऊपर से मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है। हम ऊपर ढक्कन नहीं लगा सकते थे, इसके ऊपर कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे इसमें स्टिक लगानी थी, और मैंने फॉइल पेपर के साथ इसको कवर करके एडजस्ट कर दिया है। ये मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं, और बस मॉर्निंग में देखिए कितनी अच्छी सी बिल्कुल रेडी हो गई है आइसक्रीम खाने के लिए। तो गाइज़, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।